आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ हैं। भाई जो ये हसीन वादियाँ दिख रही है ना भाई, इसे कहते हैं वड्डा की वादियाँ। कि भाई यस यस। और दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं शायद लगभग छः बज रहे हैं, तो 6 बजे हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं। अब आ क्यों रखे हैं भाई, ठंडी हवा और जो यहाँ से व्यू दिख रहा है। तो भाई अभी आपने मेरे देखे होंगे वीडियो जो चल रही थी सीरीज बारात वाली, तो वो लगातार ही वीडियो चल रहे थे। तो उसमें हो क्या गया था कि भाई रातों की नींद मेरी हो चुकी थी हराम, क्योंकि भाई एडिटिंग में आप जानते हो कितनी मेहनत लगती है। मैंने आपको बताया रखा कि लगभग एक 10 मिनट के वीडियो को तैयार करने में मिनिमम 7-8 घंटे हमें लग जाते हैं। तो आज मैंने अनिल भाई से कहा, अन्ना अपना टेंट हाउस वाला याद रखना ठीक है ना, तो इनसे मैंने कहा कि क्यों ना यार शाम को जाया जाए घूमने। तो आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ कि जहाँ से हम अपने दर्शकों को अच्छा व्यू दिखा पाएँ। तो इनका क्या कहना था भाई, क्या कहना था तुम्हारा? हमने कहा एक इधर अच्छी जगह है ऊपर, बढ़िया सा हवा हवा भी अच्छी चलती है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली बताऊँ मैं आपको कहाँ पर हूँ भाई, वड्डा से आगे जो पुलिया है क्या पुलिया के जस्ट चौकी के ऊपर, हाँ मतलब क्या कह सकते हैं, इधर ही पे पड़ता है जस्ट आगे। जैसे गाइस जो लेलू को रोड गई ना, तो हमने लेलू वाली रोड पकड़नी है, उसके बाद हम मसानीगाड़ वाले रास्ते से आए हैं सीधा कहाँ, मड़े गाँव के डाणा कहते हैं ना, मड़े गाँव का डाणा। अब पहाड़ी में तशुक नान पे रजिस्टर कर लिया पहाड़ी आदि बिल्कुल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो भाई मैंने बताई दिया है कि आज हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि एक मतलब थकावट सी भी थी यार दोस्तों, क्योंकि लगातार मैंने जो शूट किया था शादी समारोह में, तो उससे एग्जैक्टली हुआ क्या कि मतलब कमर में थोड़ा पेन होने लगा, क्योंकि भाई कैमरे को इस तरह से पकड़ना पड़ता है, हाथ एकदम सीधा रखना पड़ता है स्टेज बिल्कुल, तो थोड़ा हाथ में भी दर्द हो ही चुकी थी। सो मैंने भी कहा चलो वो आते हैं आज, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम भी हो गया था यहाँ नहीं आए हुए। अब बचपन में तो हम खूब आया करते थे यहाँ पर, दोस्तों के साथ बैठते थे गप्पे मारते थे, बट आज की डेट में तो भाई साहब अपने लिए टाइम नहीं है, तो फिर गप्पे मारने का तो छोड़ ही दो। तो ठीक है फिर मैं दिखाता हूँ आपको भाई एक से एक व्यू अपने वड्डा शहर का, क्योंकि वड्डा शहर का व्यू भी बहुत तगड़ा था यार दोस्तों, अगर हम कैमरे की नज़र से देखें तो। तो भाई साहब अनिल भाई और मैं बैठे हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं, व्यू का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि आज कैमरा तुम्हारे भाई ने पकड़ नहीं रखा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने रखा है कैमरा गोरिल्ला पॉड में। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि जो मैंने अमेजोन से मंगाया था ऑनलाइन सामान, तो भाई साहब बहुत काम आ रहा है मेरे, मैंने ये बहुत पहले मंगाना था, क्यों भाई साहब? जी जी। तो क्या कुछ बताना चाहोगे भी दर्शकों को? बताना तो चाहते थे अच्छा, लेकिन थोड़ा झिझक लगती है कैमरे के आगे भाई साहब, बंदा होती है बंदा वैसे क्या कहता ना मेरे पीठ पीछे कि भाई क्या बोलना है, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है भाई इसकी टाटा फीस हो जाती है, कमेंट करना यार भाई, जो अनिल के चाहने वाले हैं वो तो पक्का बताना, और इनको मतलब सजेस्ट करना कि भाई क्यों घबराते हो यार कैमरे के सामने बोलने में। झिझक तो क्यों नहीं लगती है, अच्छी चीज़ें हैं नहीं हमारे पास बोलने के लिए, थोड़ा तजुर्बा भी चाहिए एक, वैसे तो तुम कुछ भी बोल सकते हो बोलने के लिए, लेकिन एक कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि लॉकडाउन का समय भी चल ही रहा है, यस, तो अभी जैसे शाम के टाइम में अगर ऐसे दोस्तों के साथ बैठने का कहीं पर हमें मौका मिलता है ना, तो मैं गंवाना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है ना एक तो पुरानी यादें हमारी हो जाती हैं ताज़ा, एग्जैक्टली यस, और उसके बाद भाई जो मज़ा आता है ना व्यू का दोस्तों, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब किसी दूसरे इलाके में आ गया हूँ, क्योंकि जो यहाँ से व्यू है, मैं अभी आपको पूरा 360 व्यू दिखाऊंगा अपने ट्राईपॉड से जो मैंने ऑनलाइन मंगा रखा था, थोड़ा इंतज़ार करिए। बट जो मतलब आज यहाँ मेरे को आके फील हो रहा है ना फ्रेंड्स, भाई अनलिमिटेड मज़ा आ रहा है यार, ऐसा लगता है कि देखते रहो यार, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक जो हमारे गाँव टच है ना वड्डा सिटी में वो भी दिख रहे हैं, और जो व्यू है पहाड़ों का वो भी ज़बरदस्ती दिख रहा है, क्यों भाई? बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा मौका मत छोड़िए यार दोस्तों, और ऐसे भाई लोगों के साथ बैठना तो भाई नसीब वालों का खेल है, क्योंकि अब हर कोई अपनी लाइफ में है बिजी अभी, तो भाई जैसे आपको टाइम मिलता है दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करने का तो आप करिए अपने सुख दुख का, हाँ सुख दुख भी बांटिए, जरूरी है वो सुख दुख भी बांटिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, देखिए अब आप देख सकते हो जो मेरे पीछे व्यू आ रहा है भाई, हम कितने ऊँचे पर्वत पर बैठे हैं, बट जो यहाँ भी हवा चल रही है और जो मतलब ठंडा फील हो रहा है ना यार, उसके तो क्या कहने भाई, थोड़ा मौसम के उससे ना बिल्कुल गर्मी गर्मी की उससे थोड़ा कोहरा जैसा लग रहा है, कैमरे में भी दिक्कत हो रही है आने में, चेहरे धूप धूप नहीं आ रही, गर्मी भी कुछ अलग ही नहीं हो रही आजकल। बट गाइस मैं तुम्हें ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार पहाड़ों में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, क्यों हो रही यार अनिल भाई? मौसम का बहुत ही नहीं ऐसा हो गया,
क्या कहें हम दोस्तों, मतलब मेरे हिसाब से मतलब प्लेन्स में और पहाड़ में अब लगभग कोई अंतर भी नहीं है। कुछ भी अंतर ही नहीं है, गर्मी देखो कुछ भी देखो। आप मतलब शाम के 4 या 5 बजे ऐसे ही कहीं डांडों में जाओ ना, पहाड़ों में, ऊँचे पर्वतों में, पहाड़ों में, तो वहीं थोड़ी हवा चल रही है, बट यार घर के अंदर तो भाई जो पंखे हैं ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं भाई। फिलहाल गाइज, मैं क्या बताऊं यार आप लोगों को भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूं यार यहां, जबकि बचपन से मैं आते रहता हूं गाइज। और मैंने आपको व्यू भी अभी दिखाई दिया है चारों दिशाओं का, आपने भाई पसंद भी किया इस व्यू को, क्योंकि अपनी वड्डा का भी है तो अच्छा ही लगेगा। आजकल टाइम किसको है यार गाइज, किसी मतलब कहीं भी या किसी भी जगह जाने का, क्योंकि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सो भाई गाइज, मैं तो इतना ही कहूँगा कि यार आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या घर में जो पेट्स पाले होंगे आपने डॉगी, उनके साथ शाम को ऐसे ही घूमने जाइए, क्योंकि घर ही घर में रखी भी तो आदमी बोर हो जाता है, टीवी भी कब तक देखेगा आदमी। सो हम तो इन्जॉय ले रहे हैं दोस्तों, आप भी लीजिए हमारे साथ, और जैसे आपको मौका मिलता है ना ऐसे घूमने का तो भाई आप जाओ, जो ठंडी हवा के झोंके चल रहे ना यार, उसकी तो क्या बात है भाई। हालांकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है यार शूट करने में, वीडियो शूट करने में, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा ये मानना है कि अपने व्यूअर्स को मतलब अच्छे से अच्छे शॉट दिखाऊं। तो इन्जॉय कर ही रहा हूँ मैं, आप भी करो। सो भाई देखा, अपना दोस्ती भी घूम के आ रहा है, आए भी क्यों ना यार, आज हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ आए हैं और इन्जॉय ले रहे हैं। क्यों, कैसा लगा आपको व्यू? बहुत ही बढ़िया भाई, यहाँ तो मैं रोज आते रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, परमानेंट ही ठहरा मेरा यहाँ तो, बहुत पुराना रिश्ता है। अनिल भाई यहाँ आते रहता है, क्योंकि भाई जब स्कूल पढ़ता था ये, बहुत तो पहले से स्कूल के टाइम में जब पीरियड गोल करता था, मेरे को पता है पीरियड गोल भी करता था गाइस ये। हालांकि यार उसमें तो मैं भी करता था पीरियड गोल, उसमें तो खैर चला नहीं था। और जब हम पीरियड गोल करते थे तो गाइस यहाँ आते थे, फिर बैठते थे यहाँ। स्कूलों की दिन की याद बहुत आती है, अच्छा भी लगता है। क्यों, आज तो हम फिलहाल दो ही जने हैं, जब आते थे बहुत भीड़ लगी रहती थी। बिल्कुल दोस्तों, तो व्यू मैंने जो आपको दिखाया, कमेंट बताना, ये कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कि कैसा लगा, क्योंकि यार एक्चुअली होता क्या है ना, आने का जो मौका है वो बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसे यार। अभी क्या है कि मेरे दोस्तों लोग कह रहे थे कि हम मतलब केदारनाथ जाएंगे या हम दारमा घाटी जाएंगे, सो यार दोस्तों अभी बरसात का टाइम है तो इस वजह से अभी वहाँ के वीडियो तो खैर ना इम्पॉसिबल ही है अभी। हालांकि हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन भी कराएंगे हम आपको, बट अभी थोड़ा बरसात का सीजन है, क्योंकि भाई मानसून सीजन है तो थोड़ा खतरा रहता है, और थोड़ा घर से भी आप समझ सकते हो कि नहीं जाने देंगे, तो बने रहिए, अभी देखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। सो भाई अब हो गई है पैकिंग, अनिल भाई भी चल रहे हैं हमारे साथ पीछे पीछे, आज मेरा बैग उन्होंने थाम रखा है, तो थैंक यू यार, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू यार मेरे भाई दिल से। भाई देखो आज थोड़ा सामान ज़्यादा था, तो भाई आप कहोगे कि यार दोस्तों को दे रखा है आपने बैग, तो भाई मजबूरी है तुम्हारे भाई की, क्योंकि समझ सकते हो कि बैग में काफ़ी चीज़ें थी, ट्राईपॉड वगैरह, तो
अब मैं गोरिल्ला पॉट से शूट करूँगा, तो भाई उसकी शूट मैंने ले ली है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगी। क्यों नील भाई, मेहनत कर ही रखी है फिर आज हमने काफ़ी। तो गाइज अब हम चल रहे हैं घर को और रास्ते में दिखाते हैं आपको और अगर कुछ दिखाने लायक है तो, है नील भाई। सो गाइज अभी भाई ये शादी का टाइम गया रहा है तो अनिल भाई की दुकान ही आ देना आपको अन्ना टेंट हाउस करके। तो और अगर सर जरूर देना, अगर आप मेरा वीडियो देख के जाते हो कि भाई द ह्यूमन नेचर वाले का वीडियो देख के आए तो थोड़ी बहुत छूट भी आपको मिलेगी। क्यों भाई, मिलेगी नहीं मिलेगी? यस। सो गाइज बने रहिए, ठीक है। सो भाई ये है रास्ता जहाँ से हम आए थे, तो रास्ते यहाँ से भाई मुनाकोट से भी आ सकते हो आप, जहाँ पर हम बैठे थे व्यू पॉइंट में, और लेलू वाली रोड से भी आप यहाँ आ सकते हो। बट अब हमारे थोड़ा यहाँ से नज़दीक पड़ता है तो हम देख ही सकते हो आप इन छोटी सी पगडंडियों में से चल के आए हैं। क्यों नील भाई, तो मज़ा आया आपको? गाइज अनिल भाई आज हमारा बहुत खुश है क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भाई चलो चलो चलो, बट हो क्या रहा था कि मेरे पास वक्त की कमी थी, शॉर्ट स्पीक तो नहीं आ पा रहा था मैं। तो गाइज देख सकते हो भाई ये है रास्ता और ये रहा अपना भवानी माता का मंदिर। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं वो रास्ता कौन सा है। तो काफ़ी मेरे भाइयों ने ये रास्ता देखा भी हो और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा हो, तो भाई दिखाने के लिए हम है ना, क्यों नील भाई। तो ये देख ही सकते हैं दोस्तों भाई, ये आ गया एक गधेरा, पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि गधेरा। अनिल भाई कुनानी तशो कुनान ने, और ये रहा गधेरे में पानी। तो इन गधेरे में तो भाई हमने खूब मछलियाँ पकड़ रखी हैं दोस्तों। और भाई देख ही सकते हो आप मक्के बिल्कुल हो गए हैं बड़े बड़े अब। अनिल भाई कुछ ही दिनों के बाद अब ये शायद मक्का खाने का वक्त भी आ जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो जो घास है भाई, इतनी ज़बरदस्त ये घास हो रही है। तो ये किसी के मतलब मांगा होगा नहीं भाई, या कि खेत है, खेत के अच्छा महंगाई ठहरा। आपके भी पड़ते हैं खेत? यहाँ हमारे नहीं पड़ते। अच्छा आपके कहाँ ठहरे? हमारे वहीं को ठहरे आगे को। बिल्कुल। तो भाई हम आ चुके हैं अब भवनडाणा फील्ड से बिल्कुल जस्ट नीचे, क्योंकि अब थोड़ी चाय पीने की भी टाप लग गई है भाई, है ना नील? हाँ टाप है कुनानी, तुमसे लग ची टाप क्या की? चाय पीने की नहीं, नहीं चाय तो बहुत कम किला यार, नहीं यार करो यार, अभी तो तुम जवान हो यार। नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं, मैं मीठा बहुत खाता हूँ। अच्छा मेरा सोचना है कि मीठे से प्यार पड़ता है, अगर मीठा बहुत खा लिया मैंने मीठे से शुगर भी पड़ता है मीठे से, नुकसान भी हो गया है, देख नहीं रहे दांत ही नहीं है साले। बिल्कुल भाई। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं गाड़ में, आपको पता है कि यहाँ ओहो यहाँ तो कपड़े धोए जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि मैंने यहाँ एक कॉमेडी वीडियो बनाया था। हाय बच्चों कैसे हो? धो दो तो भाई इनको धोने दे हम कपड़े और हम चलते हैं सीधे अपने घर को। तो भाई मेरे को क्या लगता है ना अनिल, इस बार मक्के थोड़ा लेट है यार, क्योंकि पिछले साल तो आप देख ही सकते हो गाइस कि पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा लेट बढ़े मक्के, है ना? अब देखो कलर चेंज हो गया इनका, बारिश हुई भाई। अपने पहाड़ में बहुत सारी खूबसूरती है, क्यों नील भाई? लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं अनिल भाई, बहुत ही ज़्यादा गलती जिस हिसाब से ना दोस्तों अभी पेड़ वेड़ कट रहे हैं यार ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि भाई इस तरह से मतलब पेड़ों का कटान चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है अनिल भाई कि गर्मी क्यों हो रही है इतनी? ये पेड़ों की वजह से, काट पहले कितने पेड़ थे देखो, आजकल जंगल हुआ करता था। बिल्कुल गाइस, तो पहले हुआ करता था जंगल, बट अभी क्या है ना यहाँ पहाड़ में भी पेड़ की कटान भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चालू हो चुकी है यार, सरकार ने भी तो कदम उठाने चाहिए यार इस चीज़ में। अब ये सरकारें क्या कह सकते दोस्तों, अगर सरकार ने कदम उठाए होते ना ठीक टाइम पर, तो भाई अभी हमारे जंगल भी बचे होते और जो मतलब नदियाँ और नाले सूख चुके हैं ना वो भी कुछ हद तक बचे होते। गाँवों में मैं अभी गाँवों में गया था शूट करने, तो वहाँ मैंने देखे ना गाइस मतलब नाले भी सूख चुके हैं, उसका क्या कारण होगा अनिल? जल का स्रोत ही सूख गया है, मतलब जहाँ देखो मतलब यार घर ही घर उसी की वजह से ज़्यादा। गाइस मतलब आने वाली पीढ़ी ने ये समझना चाहिए यार कि हमारे पहाड़ की जो ये खूबसूरती है ना वही है वन संपदा से, और मतलब जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना उसी से तो यार, तो उसी से तो सैलानी भी आते हैं और उसी से हमारे आय के साधन भी बढ़ते हैं। सो हमने भाई उसका ख्याल रखना है अनिल भाई। सो भाई पहुँच चुके हैं हम अब घर, अब पीते हैं चाय और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज अनिल थोड़ा जिसका तो नहीं कैमरे के सामने अनिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक रखिए अपना ख्याल और लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई वो तो आप भूलना मत, आपका प्यार आ ही रहा है और आता रहेगा भी। तो मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।